हेलो स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का मैथ्स मैजिक का चैप्टर देखेंगे। तो इसमें क्या है कि मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवाया है, तो इसमें जिस तरह से है उसी तरह से वर्कबुक में है। एक फ्रेंड स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि उनको जो मैथ्स मैजिक की वर्कबुक है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए एक वीडियो बनाए। तो अभी मैं आपको जस्ट दिखाऊंगी कि इस तरह से इसके आंसर है। जैसे कि ये है वर्कबुक, इसमें दिया हुआ है कि ये किस साइड का है। चैप्टर फर्स्ट है वेयर टू लुक फॉर, इसमें यहाँ पे ये व्यू कौन सा है, किस तरफ से दिख रहा है, ये यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ सबके आंसर दिए हुए हैं। ये साइड व्यू है, एप्पल है तो ये भी साइड व्यू है, कप है ये भी साइड व्यू है, फ्रंट तो टेबल है ऊपर से दिखाया है तो ये फ्रंट व्यू है, ये बैग है तो ये भी साइड व्यू आएगा, यहाँ पे गलत लिखा है। फिर ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये है, ये सब तरह सब साइड से एक ही जैसा है, इसीलिए यहाँ पे ऑल साइड्स आएगा, व्यू फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। इसी तरह से ये फिगर है, जिस तरह से हमने टेक्स्ट बुक में देखा था उसी तरह से वर्कबुक में इस तरह से हमें फिगर ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, यहाँ पे हमें फिगर बनानी है। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सेमी सर्कल, सर्कल और ट्रायंगल, इसमें से हमें ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे बनाया है ये सेमी सर्कल, सर्कल और ये ट्रायंगल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेंगे, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द डॉट ग्रिड साउंड बिलो, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एन अम्ब्रेला, अ के, अ फ्लैग, अ लैम्प, अ हार्ट, अ नेकलेस, तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। जैसे कि ये नेकलेस बनाया है, ये अम्ब्रेला है, फिर ये फ्लैग है, माफ करना, ये की है, ये फ्लैग है ये वाला, ये हॉट है, इस तरह से बनाया है। आपको जैसे आता है वैसे आपको ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं है कि किसी और से ड्रॉ करवाना है। ये बच्ची ने खुद किया है, मैंने खाली उसे समझाया था तो उसने इसी तरह से किया है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। फिर है यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं, इसमें से जो भी आंसर है वो इस तरह से हमें टिक करने हैं कि जिसके दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये सीजर है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, सेम जैसी यहाँ पे है वैसी यहाँ पे होगी, तो ये आएगा। तो हमने यहाँ पे टिक किया है राइट का निशान। फिर यहाँ पे ये जो है बेल, तो बेल में भी हम बीच में से लेंगे तो यहाँ जैसा पार्ट है वैसा ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ टिक किया हुआ है। इसी तरह से ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, तो ये सब में यस है, टिक किए हुए हैं। इसी तरह हमें ये पीछे वाले दिखाने हैं, तो ये एंड है, तो ये भी इसी तरह से यहाँ पे जैसे लेग है यहाँ पे भी लेग आएंगे, यहाँ पे थोड़ी बॉडी आएगी, तो ये सही है, तो हमने टिक किया है। पर ये की है, तो की है तो हम कट करेंगे तो ऐसा पोर्शन यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, तो ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसी तरह से ये है, ये कवर दिया है, तो यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ ज़्यादा आएगा और यहाँ पे कम आएगा, तो ये गलत है, तो ये भी कुछ नहीं करेंगे हम। इसी तरह ये एनेक दिया है, स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पे जैसे है वैसा ही यहाँ पे है, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है तो यहाँ पे टेक करेंगे। इसी तरह से ये स्टार है, तो स्टार में यहाँ से करा होता तो सही आता, पर ये थोड़ा यहाँ से लिया हुआ है तो ये रॉन्ग है, ठीक है, तो ये भी हम टेक नहीं करेंगे। इसी तरह से जेड है, तो जेड में भी ऐसा ही है, यहाँ जैसा है ऐसा वहाँ यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं आएगा। बी है, तो बी यहाँ बीच में से लिया है, तो ऊपर जैसा है वैसा नीचे है तो ये सही आएगा, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट ये है, इसमें भी इसी तरह से और दो पार्ट में डिवाइड सिमिलर आना चाहिए, इस तरह से बोला है, तो यहाँ से बीच में से लाइन बनाई है, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये आएगा एक, ये ग्लास आएगा और ये आएगा, ठीक है, केज जो पिंजरा दिया हुआ है, बाकी ये तीन है वो नहीं आएंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है, आधा पिक्चर है उसे फिल करना है और उसका नाम नीचे लिखना है, तो ये पॉट है, ये लीफ है, ये काइट, ये फेस और ये बल्ब, इस तरह से ये हो गया हमारा। अब ये मैचेट दिया हुआ है,
तो हमें यहाँ से देख के यहाँ का जो फिगर है वो कंप्लीट करनी है। तो ये है, तो यहाँ पे इसका ये आएगा बी, ये बी कंप्लीट होता है तो यहाँ मैच होगा, फिर बी का यहाँ से मैच होगा, ये आई है तो आई का ऊपर का जो पोर्शन है और ये नीचे का है तो यहाँ पे सेट होगा, फिर ये एम का है, ये हाफ दिया है तो यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा ये आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से ये दिया हुआ है, जैसे कि ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का, तो एक्स होगा, इसी तरह से ये पार्ट और ये पार्ट कनेक्ट करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन 9 लेंगे। यहाँ पे जो पोर्शन दिया हुआ है वो हाफ लिखा है और नीचे से आपको लिख के कंप्लीट करना है इसे और यहाँ पे आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है द कंप्लीट वर्ड सो असाइड इज, तो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम इस तरह से तो पता चलेगा कि बुक लिखा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। फिर यहाँ पे एच आई डी ई ये लिखा है तो हाइड है, इसी तरह यहाँ पे भी दिया हुआ है तो हम ये कंप्लीट करेंगे तो बेस्ट आएगा तो ये वाला है। इसी तरह से थर्ड नंबर में है एस सी डबल एल सेल। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर दिखाऊंगी और फिर आगे का जो हमारा चालू होता है वो क्लास हम चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे इसलिए मेरी चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में जो भी आपको नहीं आता है वो मुझे बताना, तो मैं वो आपको रिपीट करके फिर से समझाऊंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।